हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर संस्कृत लिटरेचर पार्ट। तो बच्चों, आज हम आपके संस्कृत के लिटरेचर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें, जो कि है संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। ये जो पार्ट है, इसमें जो संसार तालाब जो है, उन्हें संसार के सागर के नाम से उस अध्याय में लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो गजधर शिल्प के जो धनी है, गजधर जो शिल्प शिल्पी जो हैं, उनके जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनका जो ज्ञान, उनका जो कौशल, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। कि पानी के लिए जो मानव निर्मित तालाब है, बावड़ी है, इनके जो निर्माण करने वाले जो हैं, वो उनका जो है आज बिल्कुल ही वो विलुप्त होते जा रहे थे, उन्हीं के बारे में इन्हें संसार सागर के नायक कहकर इनको संबोधित किया जा रहा है। और इन्हीं के बारे में यहाँ पर हम रीड करेंगे। तो हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। के आसन्ते अज्ञात नाम मान, कौन थे वो अज्ञात नाम वाले लोग। शतशः सहस्त्रशः तड़ागः सहस्रेव शून्यात् न प्रकटीभूता, कि ये जो सैकड़ों जो हजारों सैकड़ों जो तालाब है, वो अचानक से ही यों ही शून्य से प्रकट नहीं हो गए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति, कि ये जो तालाब है, ये क्या है, यहाँ संसार सागर है। एषाम एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माप ये तृणाम एककम निर्मातृणाम च दशकम आसित, कि इनके आयोजन में या सज्जाग्रह का जो निर्माण कराने वालों की जो एक एक जो इकाई है, और निर्माण करने वालों की जो दहाई, कि एक एक इकाई को निर्माण करने में 10-10 लोग लगे थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचित, और इसी प्रकार भी ये इकाई और दहाई जो है वो गुणा होती गई और हजार की रचना करती गई। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धतया समाजेन यत् किंचितम पठितम, कि लेकिन बीते हुए जो 200 साल हैं, उनमें नई पद्धति के, नए न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज आई, उनके द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा, तो है ना, तो और उस पढ़े लिखे समाज ने क्या किया, इस इकाई दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया, जीरो कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो संसार सागर के ये जो तालाब है, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं, शून्य से यूं ही प्रकट अचानक नहीं हो गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप खुद दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्यता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान के रचयति स्म, कि इस नए समाज के मन में, ये जो पढ़ा लिखा जो नया समाज है, इसके मन में ये जानने की इच्छा कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले, अभी जो ये बना रहे हैं, इनसे पहले इन तालाबों की रचना कौन करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं माप्यतुम न केनापि प्रयत्नम, कि ऐसे कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई है, उस विधि के द्वारा भी पहले भी इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया कि कैसे पहले इसको किया गया होगा। ठीक है, अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते पुराते बहुपहु प्रतिथा आसन, कि आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत ही प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते, कि निश्चय ही पूरे देश में तालाबों को निर्माण करवाया जाता था। निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और उन्हें बनाने वाले पूरे देश में रहते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तड़ाग निर्मातृणां सादरं स्मरणार्थम, कि गजधर ये जो सुंदर शब्द है, इन तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए लिया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति कः गजधरः, कि राजस्थान के जो कुछ जो भाग है, वहाँ पर यह शब्द आज भी प्रचलित है। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो इस गज परिमाण को, गज की माप को धारण करता है, वही गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त्र परिमाणात्मकिम लोह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा, कि गज की मापने वाले, गज की माप को मापने वाले
के कार्य में यह गज प्रयुक्त होता है। और समाज में तीन हाथ यानी कि 3 फुट की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर यह गजधर चलते हैं, जो अब शिल्पी के रूप में इनको आदर प्राप्त नहीं होता है। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम माप्येत इत्यस्मिन् रूपे परिचित कि ये कहा जाता है कि जो समाज की गांभीर्यम यानी कि समाज की गहराई को नापे वही गजधर होते हैं। ये कहा जाता है कि जो समाज की गहराई को नापते हैं वही गजधर के रूप में परिचित होते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो है आपका ग वाला जो पार्ट है वो आता है गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तुकार होते हैं। आस्कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वम गजधरा निभालयन्ति स्म। ये जो गजधर होते हैं ये भवन आदि का निर्माण करते हैं, वास्तुकार होते हैं, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज हो, उसमें जो नवीन निर्माण का जो काम होता है या जो सुरक्षा प्रबंधन का जो दायित्व तो होता है वो ये गजधर ही निभाते हैं। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर छोटे से छोटा निर्माण कार्य हो वो सभी इन पर ही आधारित है। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, भविष्य भाविव्यम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म। वो क्या करते हैं, योजना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, होने वाले खर्च का अनुमान करते हैं, आकलन लगाते हैं और उपकरण का साधन का सामग्री का संग्रहण भी करते थे। प्रतिदाने ते न तत् याचन्ते स्म, यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कि उनके जो स्वामी उन्हें प्रतिदान देने में यानी कि फिर से जो वो काम करते थे उसका जो पारिश्रमिक था वो देने में अगर असमर्थ होते थे तो वे बदले में कुछ भी नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानपि प्रदीयन्ते स्म नमः एतादृशेभ्य शिल्पेभ्य। कि कार्य समाप्त होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर जो है सम्मान भी क्या करते थे, उन्हें सम्मान भी प्रदान किया जाता था वेतन के अतिरिक्त, और ऐसे शिल्पियों को हमारा नमस्कार है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर है वो ओवर होता है। उसके बाद हम इसके जो पाठ्य पुस्तक के जो टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरत। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर शब्द का प्रयोग होता है, तो राजस्थान, तो राजस्थान राज्यस्य, ठीक है। गज परिमाण कह धारे, गज परिमाण कौन धारण करता है, गजधर धारण करते हैं, तो गजधर हो गया। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, क्या देते हैं उनको, सम्मान। तो यहाँ पर आ गया आंसर इसका, सम्मानम, ठीक है। उसके बाद है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं हो रहे, कौन नहीं हो रहे, गजधर नहीं हो रहे, तो गजधराः। फिर आपको प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखने हैं। तड़ागह कुत्र निर्मीयते स्म, तड़ाग कहाँ बनाया जाता है, तो पूरे देश में बनाया जाता है, तो संपूर्ण और शेषे देशे निर्मीयते स्म। सारे जो क्वेश्चन है वो आपको बुक के अंदर ही मिल जाएंगे आपके, ठीक है। गजधरा कस्मिन रूपे परिचित है, किस रूप में परिचित है, तो ये समाज से गंभीर मापे को कि जो समाज की गहराई को नापे इस रूप में ये परिचित थे। फिर है गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, क्या करते थे, ये तालाबों का निर्माण करते थे, तो तड़ागानाम निर्माणम कुर्वन्ति स्म। के सम्मानीय, कौन सम्मानीय है, तो गजधरा सम्मानीय है। उसके बाद आपको प्रश्न का निर्माण करना है, ये जो रेखांकित पद दिए गए हैं इनसे आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है, जो कि इसमें बिल्कुल आपके आंसर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, संधि विच्छेद, क्या करना है, संधि विच्छेद, तो ये ऊपर जो वर्ड दिए हुए हैं उनके आंसर दिए हुए यहाँ पर नीचे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखकर पहले आप खुद से करेंगे और फिर इसमें से आंसर से आप चेक करेंगे, इट इज योर होमवर्क, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, मंजूषात समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है मंजूषा से उचित पद चुनकर। अब इसमें आपको बॉक्स दिया होगा, अगर यहाँ स्टार्टिंग में नहीं दे रखा है बॉक्स तो आप यहाँ देखो लास्ट में दिया होगा, तो
आपको क्या करना है, जैसे आंसर्स इनके दे रखे हैं तो आपको सिर्फ चेक करना है। फिर आपको करना है पद निर्माण। पद निर्माण करने के लिए धातु दे रखी है, प्रत्यय दे रखा है, और कौन सा पद बनेगा वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे क्री प्लस तुमुन तो करतुम, ह प्लस तुम तो हरतुम, त्रि प्लस तुमुन तो तरतुम, नम प्लस कत्वा तो नत्वा, घम प्लस कत्वा तो गत्वा, त्यज प्लस कत्वा तो त्यक्त्वा, ब्रज प्लस कत्वा तो भुक्त्वा। इस टाइप से आपको बनाने हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, कौष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजिताम रिक्त स्थानानि पूरयेत। आपको कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ग्रामम उभयतः ग्रामा संति। आप इनकी हिंदी देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी विभक्ति लग रही है। सर्वतः अट्टालिका संति, नगर में नगरम सर्वतः अट्टालिका संति। फिर दिक् का पुरुष है, दिक् आ जाएगा यहाँ पर, दिक् दिक्। फिर जैसे कि मृगा मृगे सह धावती, बालका बालिका बालिका भी सह पठन्ति, पुत्र पित्रा सह आपणं गच्छन्ति, शिशु मात्रा सह क्रीडन्ति। ठीक है, आपको यहाँ पर ये इसको कंप्लीट कर लेना है। सारा वर्क जो है आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर 8 ओवर होता है। थैंक यू।